राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कर्जों के बारे में। जो लोग जो हैं आजकल हमारी जो है बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे बहुत सारे लोग हैं, वो कर्जों से बड़े परेशान हैं। कई बार तो कर्जा जो है इनको स्टेटस सिंबल के लिए, अपने आप को स्टेटस दिखाने के लिए भी इन लोगों को कर्जा लेना पड़ जाता है। उस कर्जे की जो उसमें जो है दबते चले जाते हैं और कर्जा जो है उतरने का नाम नहीं लेता है। तो आपको सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगी, अगर जिन लोगों ने भी कर्जा लिया है, सबसे पहले तो ये देखें कि आपकी जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। फालतू में आपको लोगों के क्या कहेंगे, लोग कैसे हैं, हमारा स्टेटस कम है, ये है, तो उस चक्कर में आपको कर्जा जो है लेने से हमेशा बचना चाहिए। अब कई लोग जो है कर्जा किस लिए ले लेते हैं कि भाई बच्चों की शादियों पे कर्जा ले लिया, बच्चों की पढ़ाई पे कर्जा ले लिया, बच्चों के इस पे कर्जा ले लिया। तो मैं उन लोगों को सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि बचपन से आपने अपने बच्चे को पाला है, थोड़ी थोड़ी सेविंग अगर आप शुरू से करते तो बच्चे के टाइम पीरियड पे आपको जब उसके एजुकेशन टाइम आता या फिर उसके फॉरेन स्टडीज का टाइम आता या फिर उसके जो है शादी का टाइम आता तो आपको कर्जा लेना नहीं पड़ता या थोड़ा बहुत ही लेना पड़ता। तो मकान के लिए भी हमें कर्जा लेना पड़ता है, तो हम उसके बाद मकान को लिया, फिर उसके बाद लोग जो है गाड़ी पे कर्जा लेते हैं, फिर उसको टॉपअप करवाते हैं, फिर उसके बाद और ले लेते हैं। तो ये हम कर्जों के दलदल से हम फंसते चले जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी भी कुंडली के अंदर ये योग होते हैं। कई लोग तो मैंने देखा है कि बाप ने कर्जा लिया था, बाप मर गया बेचारा और उसका कर्जा जो है वो बच्चे उतार रहे हैं। ऐसे ऐसे भी कुंडली में योग होते हैं, उन सभी योगों पे मैं चर्चा भी करूंगी, आपको कर्जा मुक्ति से निकलने का आपको तरीका भी बताऊंगी और आपके जो है जीवन में आपको जो है जल्दी जल्दी आपकी सब चीज़ें, आपको कौन से जो अगर आपको कर्जा लेना है तो कौन से दिन में लेना है, अगर कर्जा आपको चुकाना है तो कौन से दिन में चुकाना है, वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो वो लोग जो है आप अपॉइंटमेंट लेकर भी हमसे बात कर सकते हैं, पूरी कुंडली पर विवेचन करवा सकते हैं और हमसे रोज़ रात को लाइव पर फ्री कुंडली एनालाइजेशन का हिस्सा ही बन सकते हैं। रात को 10:30 बजे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर हम लोग लाइव आते हैं। तो कर्जा जो है आपकी रातों की नींदें उड़ा देता है, कर्जा जो है इंसान को परेशान कर देता है और कई लोग जो है कर्जा ले लेते हैं फिर उतारना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन में आपको कर्जा जो है वो नहीं देना चाहिए। देना चाहिए मतलब कि आपके पास पैसा है, आप सोचते हैं कि मैं फाइनेंस पे किसी को चढ़ा देता हूँ और मेरे पास जो है ब्याज आता रहेगा, तो आपका अगर कुंडली में चंद्र शनि है, अगर आपकी कुंडली में चंद्र केतु है, चंद्र राहु है, तो ऐसे में आपका दिया हुआ पैसा कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। छठे भाव में अगर आपके सिक्स हाउस में अगर आपके चंद्रमा है तो ऐसा इंसान जिसको पैसा देता है उसका पैसा कभी वापस आ ही नहीं पाता और जो लेने वाला होता है वो भी बेचारा गरीब हो जाता है। तो ये इनको पैसा जो है ना किसी को पैसा दे देंगे, उनको पैसा फलेगा ही नहीं, ना इनका वापस आएगा और ना ही उस बंदे को फलेगा और वो बंदा भी इतना गरीब हो जाएगा कि वो इनके पैसे देने के लायक ही नहीं बचेगा। जिनकी भी कुंडली में केंद्रम दोष होता है, केंद्रम दोष का मतलब क्या होता है, चंद्रमा आपके कहीं पर भी बैठा हुआ है, उसके पीछे वाले घर में और उसके आगे वाले घर में कोई भी ग्रह नहीं है, तो समझ जाइए कि आज जो है चंद्रमा आपका जो है क्या है, पीड़ित हो रहा है। वैसे तो आजकल आप किसी को भी पैसा दे दीजिए वो आपको वापस करेंगे ही नहीं, क्योंकि लोगों के अंदर इतनी गंदी आदतें हो गई हैं कि मुसीबत में तो इस बंदे ने मेरा पैसा मुझे दे दिया, लेकिन उसके बाद लोगों के अंदर ये लालच हो जाता है, ये एक अंदर जो आप कह सकते हो कि ये गलत भावना हो जाती है कि हमें पैसे लौटाने ही नहीं है, वो चीज़ उनके अंदर आ जाती है। दूसरा, कई लोग क्या करते हैं कि अरे थोड़े बहुत पैसे और आ जाएंगे ना फिर देंगे, इससे तो हम अपना ये काम चला लेते हैं। उनके पास पैसा आ भी रहा होता है तब भी उनका मन जो है वो लालच हो जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में बृहस्पति है तो ऐसे इंसान को कर्जा जो है बड़ी जल्दी मिल जाता है, ऐसा इंसान आराम परस्त हो जाता है कि कोई बात नहीं जब होएगा पैसा दे देंगे, जब आएगा कोई बात नहीं। तो ऐसे में आपको जो है कभी भी आराम परस्त नहीं होना है, आपको मेहनत करनी है क्योंकि आपको इजीली मनी आपकी जो है वो आती रहती है। छठे बृहस्पति वाले के बारे में तो ये भी कहा गया कि ऐसा इंसान किसी को जो है अगर आशीर्वाद दे दे तो उसको आशीर्वाद जो है बहुत ज़्यादा फलता है, लेकिन खुद वो कर्जाई होता रहता है। तो ये आपके साथ में जो है होता है। दूसरा, अगर आपकी कुंडली में तीसरे घर में शनि है तो आपको कर्जा देने से बचना चाहिए और पैसों का हमेशा क्रंच आपके साथ में लगा रहेगा। आपको किसी को पैसा देंगे, आपको पैसा जो है वापस आने के चांसेस जो है वो नहीं बनेंगे, मतलब उसके वापस आने के चांसेस बनेंगे ही नहीं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र छठे भाव में है तो भी आपको पैसा देने से बचना चाहिए और जो है पैसा आपको जो है इजीली मिल जाता है, लोन का पैसा मिल जाता है, लेकिन ऐसा इंसान जब भी लोन लेता है
ये मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखिए, हम लोग आपको ये सारी बातें कैसे बता पाते हैं, ये ऐसे बता पाते हैं क्योंकि हमारे पास रोज की इतनी सारी कुंडली जो है हम उनका एनालाइजेशन करते हैं, लोगों के फीडबैक्स आते हैं, लोग बताते हैं, वो सारा एक्सपीरियंस जो है वो ये बोलता है। एक्सपीरियंस आपके इतने सारी कुंडलियाँ देखने के बाद जो एक्सपीरियंस होता है उससे पता चलता है कि कौन से उपाय से किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है और किस उपाय से उनके जीवन में क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब आपको क्या कहते हैं, छठे भाव में भी अगर आपकी चंद्रमा है ना, तो आपको कर्जे से बचना चाहिए, ना लेना है ना देना है। और अगर आपकी कुंडली में चंद्र केतु है, चंद्र राहु है, चंद्र शनि है, और आपकी कुंडली में जो है मंगल केतु है या मंगल बध है, तो लोग आपका पैसा खाएंगे ही खाएंगे, आपके पास पैसा आएगा ही नहीं। जब तक आपका चंद्रमा अच्छे भाव में बैठा नहीं होगा, फाइनेंस की किल्लत आपको हमेशा लगी रहेगी। छठे शुक्र वालों को भी अपने चंद्र अपने जो है पैसा किसी को नहीं देना चाहिए। अब आपने पैसा दे दिया, अब आप क्या करें, पैसों का कोई भी लेन देन अगर आप कर रहे हैं, लेन देन मतलब क्या कहते हैं कि आपने किसी से पैसे लिए हैं, आपने खुद उधारी लिया है या आपने कहीं से बैंक से लोन लिया है, आप चूज़ कीजिए वो डे कौन सा होना चाहिए। जब भी आप कोई पैसा लेते हैं, किसी से लेते हैं, जैसे मैंने बैंक से 50 लाख का लोन लिया, तो जो लेने वाला डे होगा ना, वो हमेशा वेडनेसडे होना चाहिए। ऑलवेज़ यूज़ वेडनेसडे, ऑलवेज़ चूज़ वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को आप लेन देन के काम जो है वो करेंगे तो आपका आप ज़्यादा फ्लरिश होंगे और आपके इस दिन में देने के चांसेस जो हैं वो थोड़े कम होंगे। और दूसरा, आप राहु काल जब हो तो पैसा ना ही किसी को दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी बात, अब आपका जो है ना, आपने सपोज मैंने 50 लाख का कर्जा मैंने बैंक से लिया था, अब मुझे 50 लाख का कर्जा बैंक को चुकाना है, लेकिन मैं EMI पेमेंट नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास हर महीने की मेरी 6000 रुपये की किस्त है, मेरे पास 2000 रुपये हो पाते हैं या मेरे पास 3000 रुपये होते हैं, तो मैं 6000 रुपये तो नहीं पे कर पा रही। तो आप क्या करेंगे, जब भी 6000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये जब भी आप किसी को रीपेमेंट करेंगे, तो वो ट्राई कीजिए वो मंगलवार वाला दिन होना चाहिए जब आप रीपेमेंट करेंगे। अगर आप मंगलवार को चूज़ करते हैं तो मैं आपको बहुत यकीन से कह सकती हूँ, 100% कह सकती हूँ कि आपके कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज़ कुछ और खुलनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप सपोज़ कीजिए किसी से आपने 10000 रुपये लिए हैं, आपने 10000 रुपये लिए, उसके बाद आपने उसे 1000 रुपए करके देने हैं, आपके पास 800 रुपए हैं, आप 800 रुपए ही मंगलवार को दे दीजिए। आप सोचेंगे 200 और आएंगे तब जाके दूंगा, वो 200 ना तो आएंगे, वो 800 भी खर्च हो जाएंगे, तो वो आप उसमें मिलाकर उसको दे दीजिए। तो जब जब आप मंगलवार को कर्जा देना शुरू करेंगे तो क्या होगा, आपका जो है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और जिन लोगों की आदतें होती ना कि पैसा ले लिया फिर मन जो है होते सोते देना नहीं चाहते, ऐसे लोग भी होते हैं। अब मेरे पास ऐसे लोगों के कईयों के कॉल आते हैं, गुरुजी कि क्या होता है कि हमने जिसको पैसा दिया है वो खुद तो बड़ा लेविशली अपना रह रहा है, बड़ा मजे मौज कर रहा है और हमारे पैसे देना नहीं चाहता। तो भगवान की लाठी में जो है देर होता ही है, अंधेर नहीं होती है। तो भगवान जो है जब आपको लाठी मारेगा ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। किसी का भी जब आप, जिस बंदे ने आपको मुसीबत में पैसा दिया है, किसी का पैसा मत खाइए, इससे आपके बड़े सारे ग्रह खराब हो जाते हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि हे हम तो महलों में रहते थे, हमने क्या किया, क्या ऐसा पाप हो गया हमसे, हमने ऐसा क्या किया जो हम रोड पे आ गए। तो वो जो महलों में रहते रहते रोड पे आ जाते ना, वो ऐसे ही लोग होते हैं जो दूसरों का पैसा खा जाते हैं। तो भगवान जो है, ये ग्रह ही आपको जो है, भगवान के पास टाइम नहीं है, ये ग्रह ही आपके जो है बीड़ा उठाकर बैठे हुए हैं। जो आपके प्लैनेट पोजीशन जब आप पैदा हुए थे, तो वो ऐसी प्लैनेटरी पोजीशन होती है कि जो आपको हमेशा घेर लेती है। तो ये 7.5 आती है, ढैया आती है, और जो है कंटक ढैया आती है, तो ये हमें सब याद दिलाने के लिए आती है कि हमने जो जो कर्म किए हैं उनका भुगतान हमें करना है। अब आपने तीन उपाय करने हैं। तीन उपाय कौन से करने हैं? सबसे पहला उपाय तो है, आपने एक नारियल लेना है, नारियल जो है गोले वाला नारियल, जिसको हम घिस कर फ्रूट्स वगैरह में, ड्राई फ्रूट वगैरह में डालते हैं और उसका कुछ खाने में प्रयोग करते हैं, खीर में भी डालते हैं। उसके बाद उसमें आपने 2 चम्मच काले तिल, 2 चम्मच सफ़ेद तिल, 2 चम्मच घी, 2 चम्मच बूरा चीनी और 2 चम्मच खसखस, ये 5 चीज़ें आपने मिलानी है। 2 चम्मच काले तिल, 2 चम्मच सफ़ेद तिल, 2 चम्मच आपने घी, और जो है साथ में आपने क्या लेना है, ड्राई फ्रूट मिलाना है तो ड्राई फ्रूट भी मिला दीजिए, और ये खसखस मिलाकर और बूरा चीनी मिलाकर आप जो है उसे जो है पूरा नारियल को भर लीजिए, और जहाँ पर आपको दिखता है पीपल के पेड़ के नीचे जाकर उसको दबाते रहिए। ऐसा कंटिन्यूसली करते रहिए, आपके रास्ते खुलते रहेंगे, कर्जे आपको मिल जाएगा, नहीं तो चुकाने के रास्ते आपके खुलते रहेंगे। दूसरा, मुर्गे आपने देखे होंगे, मुर्गे कॉक,
उनको आपने जो है मक्का खिलाना है। मक्का अगर आप खिलाएंगे, अगर बृहस्पति आपके छठे भाव में बैठा हुआ है तो ज़रूर कीजिए। बृहस्पति कहीं पर भी खराब हो रहा है तो आपको मक्का ज़रूर खिलाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति ही तो आपकी बरकत है। और जो लोग अपना सोना बेच बेच कर अपने पति को दे देती हैं, काम कर लो जी काम कर लो, आपको पता है आपके पति ने वैसे तो कामयाब हुआ ही नहीं, आपने उसको कितना आपने मदद की, अपना पैसा दिया, उससे सब कुछ दिया, आपका पति कामयाब ही नहीं हुआ, तो फिर सोना बेचने तक की नौबत में मत आइए, क्योंकि वो सोना जो है वो आपके आने वाले बच्चों के आगे काम आएगा। लेकिन हम जो औरतें होती हैं, हम जो लेडी होती हैं, वो क्या करती हैं कि कई बार खुद भी हम ऐसी गलतियां कर देते हैं। मेरे पास तो ऐसे ऐसे लेडीज़ के फ़ोन आते हैं, वो कहती हैं कि इतना सोना था, बॉयफ्रेंड के आशिकी हो गई जी और बॉयफ्रेंड को दे दिया सारा सोना, 25-25 लाख रुपये का, 30-30 लाख रुपये का सोना जो है वो बॉयफ्रेंड ले गया जी, और फिर बाद में कह रही होती कि निकलवा दो जी आप उनसे। तो जब बृहस्पति को खराब ही मत होने दे, बृहस्पति खराब होगा तो आपके घर की बरकत जाएगी, वो जाने की शुरुआत आपके सोने से होगी, आपका सोना बिकना शुरू हो जाएगा, आपका सोना जो है वो आपका सोना क्या होगा, बिकना शुरू हो जाएगा, आपका सोना गुम होना शुरू हो जाएगा, आपका सोना पति ले जाएगा, आपका सोना कोई चोरी कर लेगा, ये बृहस्पति खराब होने की निशानी होती है। बृहस्पति एक बार खराब तो आपकी बरकत जो है वो खराब हो गई, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। दूसरा उपाय क्या करना है आपने, दूसरा उपाय ये करना है, मैंने आपको बताया कि मुर्गों को मक्का खिलाना है, पहले आपने नारियल का गोला बताया था मैंने आपको। तीसरा उपाय आपने क्या करना है, कीड़ी नागरा लगाना है। कीड़ी नागरा मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बताई थी, उसमें भी आपको बताया था कीड़ी नागरा लगाने से हमारे पेंडिंग कर्मास जो होते हैं वो हमारे वो जो है ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको कीड़ी नागरा आपको लगाना है, वो कैसे लगाएंगे आप, उसको लगाएंगे क्या कहते हैं कि आपने थोड़ा सा बाजरा ले लीजिए, थोड़ी सी चीनी ले लीजिए, थोड़ा सा आप कच्चे चावल ले लीजिए, थोड़े से आपने क्या करना है, काले तिल लेने हैं, सफ़ेद तिल लेने हैं, इन सबको मिक्स कर दीजिए, आटे में मिक्स कर दीजिए, और इसको कोई पकाना वकाना नहीं है, कोई पानी वानी नहीं डालना है, कुछ नहीं करना है, आपने इसको सूखा सूखा ही इसको मिक्स करके आप थोड़ा थोड़ा जहाँ पर चीटियाँ वीटियाँ होती हो वहाँ पर जाकर डाल के आइए, आपके जीवन के दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। कौओं को शनिवार के शनिवार पनीर खिलाना शुरू कीजिए और गुड़ की रोटी, कुत्तों और कौओं को खिलाएंगे तो आपका कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। गुड़ की रोटी को का उपाय आसान मत समझिए, छोटा सा उपाय मत समझिए, ये बड़ा चमत्कारी उपाय है, आपके ऊपर नजरें भी उतारेगा, आपके काम भी बनाएगा, हर किसी वक्त आपको ये उपाय जो है वो कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। वैसे तो तंदूर का उपाय होता है, तंदूर में 8 गुड़ की रोटी लगाकर उसे जो है कुत्तों और कौओं को खिलानी होती है बिना लोहे का चिमटा यूज़ किए, लेकिन देखिए हर जगह पर तंदूर नहीं होते हैं, लेकिन मिट्टी का तवा तो आजकल हर जगह पर अवेलेबल है, आपको मिट्टी वाले की दुकान से भी मिल जाएगा ये मटका, ये जो है तवा, तो मिट्टी का तवा लीजिए, उस पर जो है छोटी छोटी सी टिक्कियाँ टिक्कियाँ जैसी पूरी पूरी के साइज़ की आप गुड़ की रोटियाँ बना लीजिए, गुड़ में के आटे में गुड़ को घोलकर उसका आटा तैयार कर लीजिए, उसके बाद उसे कीजिए, जब उसे आप उल्टा पलटा करेंगे तो उसमें आपने लोहे का चिमटा यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ का बस ध्यान रखना है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो मीठे बनाते जिसमें चेरी लगी होती थी, चेरी आप इतना तामझाम नहीं कर सकते तो चेरी वाला बंद खिलाइए, उससे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, कौओं को भी खिलाइए, कुत्तों को भी खिलाइए, और जो है ये करिए, आप देखें आपके किस प्रकार से कर्जे आपके उतरते रहते हैं। तो करोड़ों करोड़ों के कर्जे इस उपाय से लोगों ने उतारे हैं, लोगों के करोड़ों रुपए के कर्जे उतरे हैं, और ये बात सत्य है, और मेरे पास लोग आके फीडबैक देते हैं। और अगर आपने बहुत खुश होना है, बहुत मस्त होना है ना, तो आप जो है छठे भाव को एक्टिव कर लीजिए। छठा भाव कैसे एक्टिव होगा, हर किसी कुंडली से छठा भाव अपने हिसाब से एक्टिव होता है। आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी कौन सा है, वो कौन से भाव में बैठा है, उस भाव के स्वामी के साथ में कौन से ग्रह बैठे हैं, उसके स्वामी को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली उनका पूरा जो है चार्ट का एनालाइजेशन करके आपका छठा भाव एक बार ही एक्टिव हो गया तो ना तो आपको रोग लगेंगे, ना आपको शोक लगेंगे, ना आपके जो है काम आपके अटकेंगे, और ना ही आपका जो है कोई रोग ऋण शत्रु आपका कुछ बिगाड़ पाएगा। तो ये होते हैं महा महा उपाय, और छोटे छोटे उपाय भी आपके जीवन में चमत्कार लेके आते हैं। लेकिन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और ऐसे हमारे चैनल को आप देखते रहिए रात को 10:30 बजे फोन इन लाइव प्रोग्राम पर, जहाँ पर हम करते हैं फ्री कुंडली एनालाइजेशन। राधे राधे।